हरे कृष्ण गोपी गीत श्लोक नंबर 12। दीन परीक्षये नीलकुंतलाये वनरुहा ननाम बिभ्रदावृतम् घनरजस्वलां दर्शयन् मुहुः मनसि नः स्मराम् वीरयच्छसि दिनपरीक्षये परीक्षये दिन अर्थात दिन परीक्षये अंत होने पर नील कुंतयर नील अर्थात नीले कुंतयर अर्थात केशों के लट जो भगवान के मुखमंडल पर केश होते हैं ना वो वनरुहाननम वनरुहा अर्थात कमल आननम यानी मुख विभ्रत प्रदर्शित करता है आवृतम थका हुआ घन रजस्वलम घन अर्थात मोटा मोटा रजस्वलम अर्थात धूल से सना हुआ दर्शयन दिखलाते हुए मोहु बारंबार मनसी न स्मरम मनो में न मतलब हमारे स्मरण अर्थात कामदेव को वीर यच्छसी हे वीर रख रहे हो। अनुवाद दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखते हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकों अर्के लटक रही होती हैं और गौओं के खुर से उड़ उड़ कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे लोकप्रिय वीर प्रियतम तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा प्रेम उत्पन्न करते हो। गोपियां भगवान को वह समय याद करा रही हैं कि जब तुम वन में गैया चराने जाते हो तो पूरा दिन हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। पूरा दिन बस उसी समय की प्रतीक्षा में गुजरता है कि कब तुम लौटोगे और जब तुम लौट रहे होते हो
उस समय तुम्हारे मुख कमल पर जो अलकें लटक रही होती हैं वो धूल से सनी हुई होती हैं, और हमें तुम बार बार दर्शयन मुहूर्त तुम बार बार अपना दर्शन करा रहे होते हो। उस समय वास्तव में सारी गोपियां जब पूरा दिन भगवान की प्रतीक्षा कर रही होती हैं, अब कृष्ण आएंगे, अब कृष्ण, और जब कृष्ण के आने का समय होता है तो सारी गोपियां झरोखों में या गली में या इस पानी भरने की बहाने से या किसी भी बहाने से घर से निकल आती हैं कि अभी भगवान यहाँ से कृष्ण गुजरेंगे और हमें कृष्ण के दर्शन करने हैं। पूरा दिन बस सारा काम कर लेती हैं ताकि जब वो समय आए तो हमें भगवान के मुख कमल के दर्शन प्राप्त हो। वास्तव में अगर उस समय गोपियों को जरा सा भी भान होता कि कृष्ण को वन में दुख हुआ हो, या फिर थोड़ा सा भी कृष्ण को देख के ऐसा लगता कि कृष्ण दुखी होंगे वन में, या जब गैया चरा रहे होंगे तो उनके चरणों को कष्ट, तो वो दुख के विषय में सोच कर भी गोपियां अपने प्राण अपने शरीर में नहीं रख सकती। इसलिए कृष्ण अपने मुख कमल पे मुस्कुराहट भर के बार बार जैसे क्या करते हैं, इधर से गायों को लेकर आ रहे होते हैं, फिर सारे गोपों को बोलते हैं चलो ठीक है अभी गवों को भगाते हैं, देखते हैं कौन उनको पहले पकड़ सकता है, तुम पकड़ोगे, चलो ठीक है भगाओ। फिर सारी गायों को भगाते हैं घरों की ओर, और फिर जब गोप आगे निकल जाते हैं फिर कृष्ण धीरे धीरे सारी गोपियों को अपना मुखमंडल दिखाते हैं और प्रेम से उनको बताते हैं कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मुझे बहुत आनंद आया आज है ना भैया वन में, बहुत आनंद आया, हमने कभी कभी छुप कर किसी को बता भी देते हैं कि आज हमने ये किया। और सारी गोपियाँ कृष्ण पर नजर टिकाए रहती थी, कभी मेरी ओर देखेंगे और ऐसे बताएंगे आज इतना मजा आया। तो इस प्रकार कृष्ण अपनी समस्त प्रियतमाओं को के हृदय को स्थित करते हैं कि मैं बिल्कुल कुशल से हूँ, और फिर गोपियां कहती हैं मनसी न स्मरम वीर यच्छसि, हे वीर जब तुम इस प्रकार अपने दर्शन देते हो तो हमें ऐसा लगता है, यच्छसि का मतलब होता है कि कुछ जबरदस्ती ऐसा लगता है हमारे हृदय के अंदर कामदेव को बिठा रहा है, हम चाहते नहीं है ना ही कामदेव की इच्छा होती है, परंतु तुम्हारी वो अलकें जब तुम्हारे मुखमंडल पर आती है तो ऐसा लगता है सुंदर सा चंद्रमा बादलों से बाहर आ रहा है और हम सब से नजरें छुपाकर तुमसे मिलने के लिए आ जाते हैं, परंतु आज तुम क्यों हमें अपने दर्शन नहीं दे रहे हो? तुम जानते हो कि जब तुम्हारा दर्शन नहीं होता तब हम निर्जीव हो जाते हैं, हमारे तन से प्राण बहुत दूर चले जाते हैं, क्या तुम दर्शन ना देकर हमें मार डालना चाहते हो? कृपया अपने दर्शन दे दो, वरना हम अधिक समय तक अपने प्राण को अपने शरीर में नहीं रख सकेंगे।